हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ए धन का एक समान वितरण, बी है ग्राम पंचायतों की स्थापना, सी है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैक मोहन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी यात्री हैनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन है ए अशोक के शासनकाल में, बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी द्वारा, बी है भगत सिंह के द्वारा, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी है अनिरुद्धति राय, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजीव गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन है, भाखरा नागल बांध स्थित है। ऑप्शन है ए रावी नदी पर, बी है सतलज नदी पर, सी है चिनाब नदी पर, डी है गंगा नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी पर। क्वेश्चन है हमारा, कलहन द्वारा रचित रजत रंगिनी में वर्णन है। ऑप्शन है ए गीतों का संग्रह, बी है कश्मीर का इतिहास, सी है चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए नामीबिया और अंगोला, बी है यूएसए और कनाडा, सी है फ्रांस और जर्मनी, डी है जर्मनी और पोलैंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए में है भारत, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चीन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। ऑप्शन है ए 23 अगस्त 1947 को, बी है 23 सितंबर 1947 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्री एस एस राव, श्री एस के भरद्वाज, श्री मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए अमृतसर में, बी दिल्ली में, सी पटना में, डी कोलकाता में। आंसर है इसका ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी स्विट्जरलैंड,
सी नीदरलैंड, डी कनाडा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी नीदरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, बी है एम एस स्वामीनाथन को, सी है जे एस थॉम्सन को, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, बी में है एम एस स्वामीनाथन, सी में जे एस थॉम्सन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है ए परमाणु ऊर्जा आयोग, बी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी इनमें किसी से भी नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी मुंबई में, सी पुणे में, डी चेन्नई में। सही आंसर है इसका ऑप्शन है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है? ऑप्शन है ए मथुरा में, बी मनाली में, सी मैसूर में, डी मोहाली में। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मैसूर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बिहार।